हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट होते हैं उनका एक कॉपी डिजी लॉकर में भी होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, स्कूल कॉलेज का मार्कशीट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ये सब जितने भी सर्टिफिकेट हैं, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये ओरिजिनल की तरह ही मान्य होते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हो और आपके पास हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डिजी लॉकर से भी आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। डिजी लॉकर के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट है किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से डिजी लॉकर को इंस्टॉल कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। यहां पे ये शो कर रहे हैं कि डिजी लॉकर क्लाउड बेस्ड सिक्योर है प्लेटफॉर्म जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, AG एक्सेस है, आप कहीं भी कभी भी इसको यूज कर सकते हो। लेट्स गो पे क्लिक करना है, तो इस तरह से ये ओपन होकर के आ जाएगा। नीचे यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम जब आप ये बना रहे हो तो अकाउंट क्रिएट अकाउंट पे करना है, अगर आप बना लिए हो तो साइन इन पे क्लिक करोगे। मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट करके दिखाता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इसमें फुल नेम इंटर करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, इसमें मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है, इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी इंटर कर लेना। यहाँ 6 डिजिट का आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। सब फिल करने के बाद इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा, OTP यहाँ पे फिल करना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और आधार में जो मोबाइल नंबर इंटर होगा उस पे आपका OTP चला जाएगा, उस पे OTP यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। और इस तरह से अगर आपका शो करता है कि आपका आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डिजी लॉकर के साथ में, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से साइन इन कर सकते हो। तो आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। और यहाँ से दोनों सेम प्रोसेस है, आप वैसे रजिस्टर करोगे तो फिर साइन इन करने के लिए मोबाइल नंबर और 6 अंक का पासवर्ड डालना पड़ेगा, लॉग इन हो जाएगा। अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लेना है, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पिन अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आधार नंबर या मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहां पिन सेट कर लो, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से डिजी लॉकर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे होम पे ये शो कर रहा है, यहाँ पे भी एक मैसेज शो कर रहा है कि इशू डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, IT एक्ट के द्वारा ये पास कर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ होम स्क्रीन है। इसके बाद यहाँ पे सर्च टैब है, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ थर्ड में है जो इशूड है डॉक्यूमेंट, जो इशूड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ अभी मेरा 2 शो कर रहा है, ABC आईडी कार्ड और आधार कार्ड जो कि इशूड है, और बहुत सारा जो है अभी इशूड यहाँ शो नहीं कर रहा है। उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फेच कर सकते हो। सर्च में जाकर के सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फेच कर लेना है ताकि बाद में कभी भी जरूरत पड़े तो आपको बार बार वो करने का जरूरत ना पड़े। इसके बाद मेन्यू है, इसका मैं अभी बाद में बताऊंगा। जैसे मेरे को यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है तो यहाँ सर्च करूंगा ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पे नेम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस इंटर करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये फेच हो रहा है अभी। अगर बाद में मैं कहीं जाता हूँ मेरे पास लाइसेंस नहीं रहता है तो मैं ये लाइसेंस मैं शो कर सकता हूँ। यहाँ देख रहे हो आप, लाइसेंस मेरा ओपन होकर आ गया है, और यहाँ आप ये जैसा कि देख सकते हो और वेरीफाइड भी है बाय डिजी लॉकर, तो ये कहीं भी मान्य होगा। मेरे पास ओरिजिनल नहीं रहेगा तो मैं कहीं इसको दिखा सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पैन कार्ड है, पैन कार्ड को मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ। पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, नेम इंटर करना है, गेट डॉक्यूमेंट भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये सब फिल करने के बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और ये भी अभी फेच हो रहा है, ये हो जाएगा तो इशूड में आ जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इशूड में आ गया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ शो कर रहा है ये भी वेरीफाइड है। तो इस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा आप एक बार जहाँ इशूड में जो भी आ जाएगा उसको बार बार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बस इसको ओपन करना है और ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से सर्च करके, इस सर्च वाले बटन से सर्च करके आप इसमें ऐड करके रख सकते हो। और इसमें एक मेन्यू बटन पे जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा होगा डिजी लॉकर ड्राइव, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें भी आप अपना जो पर्सनल फाइल है, कुछ वैसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपलोड करना चाहते हो तो 1 GB तक का आप इसमें फाइल भी अपलोड करके रख सकते हो। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।